प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर आज रूस पहुंचे। यहां व्लादिवोस्तोक में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इस दौरान जहां पीएम मोदी ने अपने बयान में भारत और रूस के संबंधों को लेकर बात की, तो वहीं कई क्षेत्रों में करार भी हुए। एक रिपोर्ट देखिए। अपने दूसरे कार्यकाल में आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सुदूर पूर्व में बसा शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा दो दिन का है। आज दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से व्लादिवोस्तोक में मुलाकात की। दोनों देशों में कई करार भी हुए, जिसके बाद दोनों दिग्गजों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जहां 21वीं सदी में मानव विकास की नई गाथाएं लिखी जा रही है, ऐसे कर्म तीर्थ व्लादिवोस्तोक में आकर मुझे अपार खुशी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से स्ट्रेटेजिक हितों के अलावा लोगों के विकास को भी जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए। रक्षा के क्षेत्र में रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाने का समझौता हुआ है। हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाद भारत के राज्यों और रूस के अन्य क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक जलमार्ग पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक जलमार्ग समझौते से भारत रूस के बीच व्यापार को मजबूती मिलेगी। ये 7200 किलोमीटर लंबा सड़क, रेल और समुद्र मार्ग होगा। ये भारत, ईरान और रूस को जोड़ेगा। कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी से ईरान के चाबहार पोर्ट होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ेगा। वहीं दोनों देश मैन पावर एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पुतिन को अगले साल एनुअल समिट में भारत आने का न्योता भी दिया है। गौरतलब है कि व्लादिवोस्तोक जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। वहीं पीएम मोदी कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ईईएफ में हिस्सा लेंगे। पुतिन ने मोदी को इस समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया है। पीएम मोदी ने कहा कि कल होने वाली समिट में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हूं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।